डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्टूडियो में बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, 7 नए नोटिस आए हुए हैं, ठीक है, वेबसाइट पर। तो क्या है इनमें? तो 7 मतलब बच्चों को डिबार्ड किया हुआ है डी ट्रिपल एस बी ने। तो क्यों किया हुआ है, तो हम एक नोटिस पढ़ते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस दे सकते हैं। इसमें ये जो कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, फादर नेम, रोल नंबर, कैंडिडेट्स एड्रेस जो भी है, तो रीज़न देखिए आप इसका। टू डिफरेंट पर्सन अपीयर्ड अगेंस्ट सिंगल एप्लीकेंट फॉर पोस्ट कोड 44/13 इन द पाव एग्जाम ऑन 27/6/19 रिटन टेस्ट एंड 29/4/19 पीटी, दस अ केस ऑफ इम्पर्सनेशन। तो दोस्तों, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 44/13 फुट कॉन्स्टेबल थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, तो 7 बच्चे जो है, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम किसी और ने दिया था, तो पीटी में कोई और, तो एक तरीके से फ्रॉड का केस है ये। तो इनमें अब डी ट्रिपल एस बी ने इनको बैन किया है, ठीक है, तो 7 नए बच्चों को किया है। तो दोस्तों, हम सार एक एक करके तो नहीं जाएंगे, लेकिन सब में ये है कि अब इनको बैन कर दिया गया है। और डी ट्रिपल एस बी ने साफ भी लिखा, डी ट्रिपल एस बी एड्रेस टू जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है। और इसमें लास्ट भी लिखा है, फर्दर द कैंडिडेचर ऑफ मिस्टर ये है विल बी डीम्ड कैंसल्ड इफ ही हैज अपियर्ड इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय डी ट्रिपल एस बी प्रायर टू अबाउट डेटा दिस इशू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। तो डी ट्रिपल एस बी ने इनको डिबार्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कोई काम ना करें, अपना ईमानदारी और मेहनत से पेपर पास करके जॉब लगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।